तो कांग्रेस के प्रदर्शन और ब्लैक फ्राइडे पर चल रहे घमासान में बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया है। जी हां, उनके साथ कई और सांसद, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देश भर में आज हल्ला बोला है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया और उसके कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस के कई सांसद विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कांग्रेस के इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी। इस इलाके में धारा 144 भी लागू है। उधर कांग्रेस दफ्तर से मार्च जो है निकाल रही प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लेते हुए इस पूरे के पूरे प्रदर्शन पर सीधा पुलिस प्रशासन ने प्रहार कर दिया। आपको बता दें, इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सभी सांसद महंगाई के मुद्दे को उठाने के लिए राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। हमारा काम जनता के मुद्दों को उठाने का है। कुछ सांसदों को हिरासत में भी ले लिया गया है, कुछ के साथ तो मारपीट भी की गई। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि हम राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया। पुलिस का कहना है कि इस इलाके में धारा 144 लागू है, यहां विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कांग्रेस सांसदों ने खुद को गिरफ्तार करने की मांग तक कर दी। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि ये विरोध महंगाई और अग्निपथ को लेकर है। महंगाई ने सभी पर असर डाला है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि लोगों की आवाज को उठाएं, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हो रहे इस तरह के देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर अलग अलग जो तस्वीरें हैं, अलग अलग वीडियो जो निकल कर सामने आए हैं, उन एक एक वीडियो पर हम नजर डालेंगे, क्योंकि ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि दिल्ली पुलिस ने कैसा बर्ताव कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ खुद प्रियंका गांधी के साथ किया है। प्रियंका गांधी जब बैरिकेड कूद कर आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो पुलिस वाले उनसे किस तरह जो है नोकझोंक करते हैं और छीना झपटी करते हैं। उनको अपना जो है, जो उन्होंने दुपट्टा डाल रखा था, उसको उतारकर फेंकना पड़ा। ये तक नौबत आ गई थी। पहला जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आपके स्क्रीन पर है, इसको इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बस में किस तरह से बिठाया जा रहा था, कैसे उन्हें अंदर ले जाया गया, कितनी जो है भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने उन्हें जो है बस के अंदर बिठाया। इसमें लिखा गया है कि श्री राहुल गांधी को संसद भवन से हिरासत में ले लिया गया। यानी जब प्रदर्शन किया जा रहा था, राष्ट्रपति से मिलने का जो है वक्त मांगा गया था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से या फिर कोई भी अपडेट इस मामले में नहीं मिली कि विपक्ष को यह मौका दिया जाए कि वो जाकर राष्ट्रपति से मिलकर, क्योंकि विपक्ष यानी कांग्रेस की लगातार यही मांग है कि वो राष्ट्रपति से जाकर मिलना चाहते हैं, सारी समस्याओं से उनको अवगत कराना चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको वक्त ही नहीं दिया गया है। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो है राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया पुलिस प्रशासन पर कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, उनको सड़कों पर घसीटा गया। किस तरीके से उनको घसीटा गया उसकी भी जो है स्क्रीन पर आप अभी तस्वीर देख पाएंगे कि कार्यकर्ताओं के पैरों को पकड़ पकड़ कर, उनके हाथों को पकड़ पकड़ कर उनको घसीटते हुए वहां से जो है बसों में डाला गया। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, वो उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर हम प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आवाज उठाने के लिए जो है बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनता की आवाज को उठा रहे हैं, उनके मुद्दों को बता रहे हैं, और लोकतंत्र, जैसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लोकतंत्र की जो है हत्या आए दिन होती है, लेकिन उस हत्या को लेकर सब मजे ले रहे हैं, कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। अब जो है आपकी स्क्रीन पर हम जो तस्वीर अभी दिखा रहे हैं, ये आप जो है प्रियंका गांधी के देख पाएंगे। प्रियंका गांधी को किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है घसीटते हुए नजर आ रहा है। न्यूज 24 की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। और इस तस्वीर को आप फुल स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि ये देखना बेहद जरूरी है कि पुलिस प्रशासन किस तरह का व्यवहार
जो है वो प्रियंका गांधी के साथ कर रहे हैं, घसीटते हुए उनके हाथों को पकड़कर उनको घसीटते हुए आपको इसमें नजर आएंगी। जो महिलाएं हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो उनको घसीट कर ले जाती हुई इस तस्वीर में नजर आएंगी और जबरदस्ती उनको जो है गाड़ी में डाला जा रहा है। मीडिया मौजूद है वहां पर, उनके खुद के जो सुरक्षा कर्मी है, जो पर्सनल सुरक्षा कर्मी है वो भी मौजूद है, लेकिन सबकी मौजूदगी में कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है कि कैसे पुलिस प्रशासन ने प्रियंका गांधी से बदसुलूकी करते हुए, क्रूरता दिखाते हुए ये जो है प्रदर्शन को रोकने की जो है ये पूरी की पूरी तस्वीर निकल कर सामने आई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब प्रियंका गांधी प्रदर्शन के लिए निकली थी तब उन्होंने जो है ट्रॉली में गैस सिलेंडर को रखकर ट्रॉली को आगे की तरफ किया था, उसको धकेलते हुए बाहर लेकर आई थी। इसका भी वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ये वीडियो आप देख रहे होंगे। इसमें प्रियंका गांधी जो है ट्रॉली को आगे की तरफ ले जाती हुई नजर आएंगी, उनके साथ साथ जो है अशोक गहलोत भी आपको नजर आएंगे जो ट्रॉली को हाथ लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। यह प्रदर्शन करने के बाद जैसे ही प्रदर्शन शुरू करने के लिए राष्ट्रपति भवन का और पीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ती हैं प्रियंका गांधी, उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और जो है सांसदों को घसीटने का जो आरोप लगाया गया है वो राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सांसद जो माननीय सांसद है जिनको जनता ने चुनकर जो है संसद तक पहुंचाया है और उन लोगों के साथ इस तरीके का जो व्यवहार है वो बिल्कुल जो है शोभा नहीं देता है, ना तो पुलिस प्रशासन को ना ही केंद्र को इस तरीके की जो है जो घटिया चीजें बिल्कुल की जा रही हैं। एक तरफ जो है जो महिला कार्यकर्ता है उनको घसीटते हुए पुलिस प्रशासन ले जाता है जिसमें उनके कपड़े तक फट जाते हैं, ऐसी जो है तस्वीरें निकल कर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को इस तरह से खींचते हुए पुलिस प्रशासन यानी सुरक्षा कर्मी ले जाते हैं, उनको गाड़ी में डाल देते हैं जबरदस्त तरीके से और वो जो है लगातार इस चीज का विरोध करती है कि ऐसे नहीं ले जाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन को अधिकार हालांकि है कि वो जहां पर धारा 144 अगर लागू है तो वहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से पुलिस प्रशासन को अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से घसीटते हुए उनको बेरहमी यानी क्रूरता एकदम दिखाई गई है, जिसमें ये आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि जो है जब प्रियंका गांधी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो बाकी की जो महिला कार्यकर्ता है, महिला सांसद हैं, उन्होंने जो पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ कैसा व्यवहार करता है। अभी जब जो है सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था तब भी इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब एक महिला सांसद ने ये दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इस तरह से उनसे बदतमीजी की कि उनके कपड़े तक फाड़ डाले, इस तरह के आरोप लगे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है और इस बार तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कैसे प्रियंका गांधी बैरिकेड्स को पार करते हुए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ती हैं, मुख्यालय की तरफ, और वहां पर धरने पर बैठ जाती हैं। धरने पर बैठने के साथ साथ जो है उनके साथ जो लोग मौजूद होते हैं उनको पुलिस प्रशासन खींचते हुए घसीटते हुए लेकर जाता है, लेकिन बाद में प्रियंका गांधी को खुद किस तरह पुलिस प्रशासन ट्रीट करता है, कैसा व्यवहार उनके साथ करता है और कैसे उन्हें घसीटते हुए लेकर जाता है, इसकी एक एक तस्वीर आपके सामने है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी, इसलिए नेशन 360 के साथ लगातार जुड़े रहिए। जय।